हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइजर आप लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई रामनवमी में फोटो एडिटिंग लाइए। तो देखिए मैं कितना हार्ड एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ और आप लोग सारा ये फेस देख सकते हैं और ये बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना हार्ड बनाया। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 स्टेप में इस टाइप का टोटल कम्प्लीट एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाला हूँ। एंड जो भी भाई लोग इस वीडियो को 3 स्टेप देख लेते हैं तो उन लोगों को गारंटी के साथ ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा, बहुत ही गारंटी के साथ। तो देख लीजिए फेस कितना हार्ड एंड कितना HD बनाया और बैकग्राउंड देख लीजिए किस तरह क्या चीज़ लगाना है, कौन से पार्ट को किस तरह पहले लगाना है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसा पोज ले लेना है। देख लीजिए कुछ आप लोग गमछी ले लीजिएगा एंड कुछ इस तरह पोज ले सकते हैं या फिर आप लोग कोई से भी सीधा होता पोज आप लोग लगा सकते हैं। तो आपको एक फ़ोटो लेने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको लाइट रूम पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमको पहला स्टेप की लाइट रूम में फोटो को सेंड करना है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को, फिर आपको लाइट रूम को ओपन करना है। देखिए हमारा पहला स्टेप है, आप लोग को 3 स्टेप बस देखना है। देखिए उतना लंबा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो, बस आपको 3 स्टेप को देखना है। तो हमारा पहला स्टेप में लाइट रूम मारना है। तो हम लाइट पर आएंगे, कुछ एक्सपोजर को हाई करेंगे, कंट्रास्ट को पूरा लो करेंगे, फिर आपको हाईलाइट को पूरा लो करके शेडो को हाई करना है, पूरा व्हाइट को पूरा लो, ब्लैक को कुछ लगभग हम लोग इतना कर देंगे। देखिए आप लोग को इतना सेटिंग करना है, फिर आपको इधर आना है इस कलर वाले ऑप्शन पे, फिर आपको इधर जाना है मिक्स वाले टूल पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर आपको दोनों पे आना है और देखिए फिर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, हुई मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमको देखिए हुई को लगभग हमको कुछ नहीं करना है, सिचुएशन को इतना लो करना है, फिर इसको आपको इतना हाई करना है। देखिए देखिए फेस में बिफोर एंड आफ्टर इतना लाइट आ चुका है। तो आप लोग को इतना सेटिंग करना है, फिर हम लोग को डन पे क्लिक करना है। देखिए और इसको हम हाई कर देते हैं और आपको इसको हाई करके, इसको भी हाई करके एंड इसको हाई करके इसको लॉक कर देगा। इतना सेटिंग आप लोग कर देना है, फिर आपको डिटेल पे आना है, शार्पनिंग को हाई कर देना है, इंक्रीज कर देना है। देखिए जिससे हमारे जो फोटो होगा फुल HD हो जाएगा। तो आपको इतना काम करने के बाद सेव पे जाना है और फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा सेव टू डिवाइस। तो आप लोग को इस पर क्लिक करके फिर देखिए ऑटोमेटिक कुछ प्रोसेसिंग लेगा एंड फोटो हमारा सेव हो जाएगा। तो देख लीजिए एक्सपोर्टिंग फोटो लिख रहा है, यानी कि फोटो अभी कुछ ही सेकंड में हमारा सेव हो जाएगा। देखिए सेव हमारा फोटो हो चुका है, फिर आपको अपना गैलरी को ओपन कर लेना है। तो देखिए हमारा गैलरी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आपको सिंपली देखिए फोटो कितना HD में सेव हुआ है। तो आपको क्या करना है, इतना काम तो आप लोग मान लीजिए लाइट रूम यूज करिए लिए हैं। देखिए सारा कुछ बन गया, इधर फेस पूरा व्हाइट हो गया, बस आपको अब सिंपली क्या करना है, स्मूथ करना है फोटो को। जो कि आपको तो स्मूथ करना आता होगा तो आप लोग सिंपली स्मूथ कर लीजिएगा। जो कि देखिए मैं यहाँ पे स्मूथ करके रखा हूँ, तो देख लीजिए कोई भी मान लीजिए, इसलिए मैं स्मूथ किया हूँ ताकि मान लीजिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस छोटा चीज़ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग को स्मूथ सिंपली कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, फोटो को ले चलना है फोटो रूम एप्लीकेशन में और हम लोग करेंगे बैकग्राउंड को कटआउट। तो देखिए हमारा दूसरा स्टेप है बैकग्राउंड को कटआउट वाला एंड तीसरा स्टेप पूरा फाइनल एडिटिंग हो जाएगा। तो देखिए स्कैनिंग करने के बाद हमारा देखिए इस तरह देखिए इंटरफेस आएगा, 4-5 इस तरह इंटरफेस हमारा आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो ये आइकन है ट्रांसफॉर्म वाला, ट्रांसपेरेंट वाला, देखिए लिखा है ट्रांसपेरेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक शेयर का निशान आएगा। तो आपको इस पर जाकर फिर आपको इस माय लेटर पर क्लिक करना है, फिर आप लोग को इधर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, यानी कि फोटो हमारे गैलरी में सेव हो गया है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको मैं बैकग्राउंड कुछ प्रीसेट और बैकग्राउंड एंड PNG आप लोग को दे दूंगा। तो आपको इस वाले बैकग्राउंड को लेना है और इसको हम लोग क्या करेंगे, ले चलेंगे PicsArt में। देखिए हमारा तीसरा स्टेप है, जो कि तीसरा स्टेप पूरा फोटो कंप्लीट होने वाला है, फिर हमको आना है ऐड फोटो पे। और गाइस यार आप लोग इस वाले स्टेप को ध्यान से देखिएगा, हम अपने फोटो को लेंगे ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरह जूमिंग करके देखिए हमको इसको क्या करना है, यहाँ पर इतना पे लगाना है। देखिए आप लोग को इतना पे लगाना है इसको, फिर प्लस कर देंगे, फिर आपको ऐड फोटो पे जाना है, फिर आपको देखिए सारा बैकग्राउंड आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आपको इसको लेना है और आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। इसको लेने के बाद जस्ट हम लोग इस साइड यहाँ पे लगाएंगे इस तरह, देखिए इस तरह हमको इसको लगाना है, ऑपेसिटी को डाउन कर देंगे, फिर हमको एक बार और आना है ऐड फोटो पे और आपको इस बार इस वाले PNG को लेना है और आपको सिंपली इस तरह जूमिंग करके इस तरह लगा देंगे। देखिए इतना पे कितना हार्ड हमारा लग रहा है एंड आप लोग इसके ऑपेसिटी को इतना डाउन कर दीजिएगा, ठीक है इतना पे, फिर आपको एक बार और आना है ऐड फोटो पे और मैं आपको 2 PNG दूंगा, एक इस वाले PNG को, तो इसको पहले लेंगे और इसको लेने के बाद जस्ट हमको देखिए इस तरह प्लस करके जूमिंग करके फिर आप लोग को अच्छे तरह से इसको बैठा देना है। देखिए यहाँ पे
बैठाने के बाद ओपेसिटी को भी डाउन कर देंगे। देखिए आप लोग अपने हिसाब से बैठा दीजिएगा जितना में बैठाना होगा। तो हमको इसको बैठाने के बाद फिर आपको एक रामनवमी का पीएनजी लेना है। देखिए आपको सारा कुछ लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ किस तरह कौन सा पीएनजी कहाँ पर लगाना है। फिर रामनवमी के पीएनजी को लेंगे और आपको कुछ यहाँ पर हमको इसको लगाना है, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको एक और पीएनजी मिलेगा जो कि कुछ कलर का पीएनजी है, तो इसको लेना है। और इसको आपको लेने के बाद आपको जस्ट इस तरह नीचे से इस तरह लगा देना है। देखिए हमारा इतना प्रोसेस तो हो गया, यानी सारा हमारा पीएनजी बैकग्राउंड लग चुका है। तो फिर आपको इतना काम होने के बाद आपको सेव कर लेना है इमेज को, फिर आपको गैलरी में चलना है। देखिए हमारा तीनों प्रोसेस खत्म हो चुका है, बस एक बचा है बोनस वाला प्रोसेस जो कि आपको उसको देखना है बस एक बार, बस जो कि एक मिनट में ये भी खत्म होने वाला है। फिर आपको लाइट रूम ओके करके, यानी कि लाइट रूम को ओपन करने के बाद आपको कलर ग्रेडिंग करना है। तो फिर हम लोग इसको आएंगे और आपको कलर पे जाना है, आपको ग्रेडिंग पे जाना है, इसको लो करके इसको आप लोग को इतना लो करना है। फिर आप लोग को देखिए इसको हाई करना है आप लोग को, फिर इसको भी हाई करके इसको भी हाई कर दीजिएगा, इसको माइनस। तो इतना सेटिंग को करने के बाद आपको मिक्स वाले पे आना है। फिर आप लोग इस वाले सेटिंग को ध्यान से देखिएगा, जो आपको ये दो नंबर का ऑप्शन मिलेगा इसके आपको जाना है और इसको लो करके इसको आपको हाई करना है। देखिए इतना बिफोर एंड आफ्टर, तो इतना काम करना है। फिर आपको एक नंबर पे आना है तो इसको भी आप लोग को हाई करना है। फिर आपको क्या करना है, इफेक्ट पर आकर क्लैरिटी को हाई करके विजनेट को लो करना है। फिर आप लोग को डिटेल पर आकर स्पिनिंग को प्लस इंक्रीज 54 कर देंगे। उसके बाद गाइजर आप लोग देख लीजिए फोटो क्वालिटी कितना हार्ड बन गया और फोटो बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त बन गया। तो आप लोग देख लीजिए ये भी फोटो मस्त लग रहा है और जो स्नैपशीट से हम लोग फोटो निकाले थे वो भी फोटो मस्त लग रहा है। तो देख लीजिए आपको जो पसंद आए वो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। और एक बात का जरा, आप लोग सभी के सभी लोग ये फोटो एडिटिंग करके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग मिलकर तबाही मचाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जाइए, सभी लोग ऐसा सेम एडिटिंग करिए।